हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज संध्या पवार। ये लास्ट संडे का ब्लॉग है, सावन का महीना चल रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि शिव जी के दर्शन कर लें। तो हम निकले तो शिव मंदिर जाने के लिए थे, जो कि एक गुफा में है। गुफा में बारिश का पानी भर जाने की वजह से मंदिर बंद था। तो पास में ही एक गाँव है तिन्नौद, और ये इंदौर से 30 किलोमीटर है। वहाँ एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है बीजासन माता का। तो हम यहाँ दर्शन करने के लिए आ गए थे। मैंने यहाँ से प्रसाद लिया, माता रानी की चुन्नी ली। थैंक यू माता राम। पहले ये मंदिर जाने के लिए कच्चा रास्ता था, बट अब सड़क बन चुकी है तो इजी हो गया है। सड़क के थ्रू बाय कार जा सकते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, बादल के साथ सूरज लुका छुपी का खेल खेल रहा था। और कुछ लोग पैदल भी जा रहे थे। मंदिर घने जंगल में पहाड़ी पर है। जीजा जल्दी लेके चली गई क्या अंश को? कार नीचे पार्क करने के बाद कुछ सीढ़ियां हैं, उसके थ्रू मंदिर में जाया जा सकता है। तो ये देख सकते हैं आप नीचे सीढ़ियां, इतनी चढ़ने के बाद हम ऊपर आए। ओंकारेश्वर में भी पहाड़ी पर चढ़ने की वजह से मेरे घुटनों में बहुत पेन था, और यहाँ भी मुझे बहुत दर्द हो रहा था, अभी तक वो पेन गया नहीं। और मंदिर का ये पूरा व्यू है। थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर दिखता है। ये साइड में भैरव बाबा का भी स्थान है। ये है बीजासन माता का मंदिर। यहाँ हमने पापा को दे दिया था नारियल चढ़ाने के लिए, तो वो नारियल चढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमने भी पूजा की। तो यहाँ अगरबत्ती घुमाने के बाद मैंने प्रसाद चढ़ाया, और माता रानी की चुन्नी भी लेकर आई थी मैं, तो वो मैंने उनको चढ़ाई। जिससे जो बनता है श्रद्धा से चढ़ाता है। माता रानी वैसे भी भाव दिखती हैं कि किसने किस भाव से उनको क्या अर्पित किया है। तो हमारी क्या औकात कि हम उनको कुछ और दे सकें, क्योंकि हम ही उनके आगे हाथ फैलाते रहते हैं और उनसे मांगते रहते हैं। मैंने भी यहाँ प्रार्थना की और जो है उसके लिए उनको धन्यवाद कहा। बीजासन माता की ये प्रतिमा एक ही पत्थर पर उकेरी गई है। पीछे इस तरह साथिया बने हुए थे जो मन्नत के ही बनाए गए होंगे। उल्टे साथिया बनाते हैं, फिर मन्नत पूरी होने के बाद सीधे किया जाता है उनको। ये मान्यता रहती है, हर जगह ये देखने को मिलता है। ये पूरा पहाड़ी है, जंगल घना हुआ लगा हुआ है, और उसमें इन माता का स्थान है। आज मौसम पूरी तरह खुला हुआ था, मतलब धूप भी आ रही थी। तो ये आप सीढ़ी का रास्ता जहाँ से हम चढ़कर आए, और ये छत बनी हुई थी जहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ मैं फ्रंट कैमरे से थोड़ा सा दिखा रही हूँ, और प्लीज़ मेरी शक्ल पे मत जाना। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो पसीना भी आ रहा था। उमस होती है बारिश नहीं होती है। तो पीछे का व्यू बहुत अच्छा था, यहाँ से सब लोग देख रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, फोटो क्लिक करवा रहे थे। क्या खा रहे हो आप? प्रसाद। ज़्यादा फोटो हमने नहीं ली, बस एक दो ही फोटो क्लिक की। तो वैसे भी हम लोग बहुत लेट आए यहाँ पे, सुबह से निकले थे। एक आश्रम था वहाँ भी गए थे, लेकिन मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया। ये जगह अच्छी लगी इसलिए मैंने बना लिया था। और यहाँ धूप बहुत तेज लग रही थी। मंदिर से नीचे उतरकर ये भैरव बाबा का स्थान है। कहते हैं जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं होते हैं तब तक प्रार्थना पूरी नहीं मानी जाती। यहाँ जंगल लगा हुआ था इसलिए चींटियाँ बहुत थी। मैंने भी माता रानी के बाद फिर यहाँ पे प्रार्थना की। माता रानी के स्थान के साथ भैरव का स्थान ज़रूर होता है, इसलिए दोनों के ही दर्शन मान्य होते हैं। किसी एक के दर्शन के बिना दूसरे के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो ये मंदिर ऊपर बीजासन माता का, और साइड में मंदिर भैरव महाराज का है। ज्ञान तो कैसे चल रहा है? अरे वाह यार, पीता तो बहुत अच्छे से चल रहा है। लोग ही रे
ऐसी प्राचीन जगह पर ये भी मान्यता रहती है कि पत्थर के घर बनाए जाते हैं, तो वही बनाए हमने। और उसके बाद हम निकल गए थे, ये फूल थे जंगली। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।